हेलो एवरी वन वेलकम बैक वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दार्जिलिंग व्लॉग पहला पार्ट जो है वो आप कल ही देखे हैं आज भी यहाँ पे बारिश हो रही है पर फिर भी हम जितना निकले हैं जो भी किए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में तो आप सब कैसे हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ के वेदर जो है थोड़ा क्लाउडी है इट्स रेनिंग एंड इट्स ऑल्सो कोल्ड यहाँ पे आके मैं मेरे बहुत सारे व्यूअर्स से मिली आज भी और उनके कुछ क्लिप्स भी है आप देख पाएंगे तो ये देखो सुबह उठ गए हम थोड़ा जल्दी उठे हम एक्चुअली कर्टन्स बंद करके नहीं सोए थे ताकि अगर बाय एनी चांस धूप निकली तो हम सनराइज देख पाए उसके लिए पर बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है सुबह एक बार उठ के देखे कि नहीं वेदर ऐसे बिल्कुल क्लाउडी है धूप तो दूर की बात है मतलब कंचन याघा तो दूर की बात है हमारे बाजू वाला जो होटल है ना वो भी नहीं दिख रहा है तो अभी उठे हैं कुछ साढ़े आठ बजे उठने के बाद यहाँ पे मैं गर्म पानी पीती हूँ क्योंकि ये पानी जो है ना ठंडा हो गया ऐसा लग रहा है कि फ्रिज में रखा हुआ था पानी तो थोड़ा सा गर्म करके पीती हूँ और ये स्वेटर आप देखे हैं कि मैं कोलकाता से लेके आई थी तो थोड़ी सी ठंडी लग रही है है, तो स्वेटर भी पहन लिया और अभी बेड भी ठीक कर लिया यहाँ पे जैसे कि मैं देख रही हूँ रूम्स पर ना हीटर तो अभी फिलहाल नहीं है शायद जब बहुत ठंड होती है तब हीटर लगाते हैं पे ए सी भी नहीं है मतलब क्यों होगी पे साल भर ठंडी रहते हैं बस अप्रैल मई के टाइम पर थोड़ा सा शायद गर्मी होगी वो गर्मी भी ऐसे भुवनेश्वर कोलकाता ऐसे नहीं होगा ठीक है अभी हम नीचे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रूम पर भी देते हैं ये पर पहला दिन हम नीचे जाके देखते हैं कैसा है सब कुछ तो हाँ नीचे जाके देखे कि अंडरग्राउंड में है तो यहाँ से कुछ व्यू नहीं है आ, कुछ कुछ जगह है जहाँ पे जो रेस्टोर है वो थोड़ा सा आ, आउटर साइड पर है जहाँ से आप व्यू भी इंजॉय कर सकते हो इन लोगों के भी है छत पर पर अभी तो बारिश हो रही है तो वहाँ पे तो बैठ नहीं सकते नहीं तो शायद ब्रेकफास्ट अगर आप छत पे जाके करना चाहो नॉर्मल टाइम पर जब बारिश नहीं होती है तब वहाँ पे भी सर्व किया जाता है हम ब्रेकफास्ट की यहाँ पे चाय कॉफी जो भी ब्रेकफास्ट ऐसे घर पे करते नहीं है पर हाँ कहीं जाने से देखो ब्रेकफास्ट होता है लंच होता है डिनर टाइम पर खाना खाते हैं घर पे क्या है कि काम के बीच में लंच और डिनर ही हो पाता है सही से बाकी समय कुछ खाए ना खाए हमारा तो ऐसा ही हो गया अभी आप कैसे करते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अभी ब्रेकफास्ट करके हम ऊपर जा रहे हैं और आपको थोड़ा सा मैं दिखा रही थी ये देखो कैसे मैं फिल्म करती हूँ ये मेरा गिम्बल और ये मेरा कैमरा तो ऐसे पकड़ के लेके जाती हु पता है रस्ते में लोग ऐसे मुड़ के देखते है मुझे की क्या कर रही है लड़की पर अभी क्या कर सकते काम है करना तो पड़ेगा अभी देखो बाहर देखती हूँ कैसा वेदर है बारिश रुकी है कि नहीं तो फिर थोड़ा सा निकलेंगे हम सोचे थे कि आज या कल ये दोनों दिन में से एक दिन हम साइड सीन के लिए निकलेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज है साइड सीन में छोटे छुर छोटे जगह है थोड़ा दस पंद्रह किलोमीटर के डिस्टेंस में पर बारिश इतनी तेज हो रही है की पता नहीं कैसे कर पाएंगे अभी थोड़ा सा रुका है बस इसी बीच हम निकल गए थे यहाँ पे एक महाकाल मंदिर है वहाँ पे हम जाएंगे बहुत ऊंचाई में चढ़ना पड़ता है मैं कोशिश करूंगी आपको भी लेके जाने की पर पता नहीं कितने देर के लिए रुकेंगे बारिश फिर से ड्रिजलिंग होना स्टार्ट हो गया था और तेज बारिश आ जाती है ना तो मेरे लिए फिल्म करना पॉसिबल नहीं होता फिर कैमरे को कवर करना पड़ता है जैसे मैं पहनी हूँ तो पैकेट है, तो है उसके अंदर छतरी है हमारे यहाँ पे सारे ही लोग देखो छतरी लेके ही चल रहे हैं सबके पास छतरी है देखो बड़े बड़े और यहाँ पे लोग बड़े बड़े छतरी यूज करते हैं जैसे हम कोलकाता में क्या है छोटे अम्ब्रेला यूज करते हैं ना पर यहाँ पे बारिश इतना ही तेज होता है तो लोग ऐसे लंबे वाले नहीं होता वो नोकीला वाला वो वाला यूज करते हैं यहाँ पे तो चलो अभी पंद्रह दस पंद्रह मिनट लगेगा आ, हम धीरे धीरे ही चल रहे हैं हमारा प्लान था कि सुबह उठ के ना हम मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे पर सुबह तो उठ के कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी छः साढ़े बजे हमें तो लगी नहीं रहा था कि बारिश भी पर थोड़ी देर में बारिश अभी रुकी है ऐसा हो रहा है की मतलब बारिश रुक रही है फिर से स्टार्ट हो रही है और ऐसा नहीं बहुत तेज हो रही है ऐसा है कि ड्रिजलिंग हो रही है जैसे अभी देखो यहाँ पे भी ड्रिजलिंग हो रही है और फिर मैल में आए हम मैल के पीछे ही है जो महाकाल मंदिर है यहाँ पे आके देखे स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे स्कूल के दिन याद आ गए मुझे तो यहाँ पे खड़े होके हम थोड़ी देर देखे इन लोगों के प्रैक्टिस हमारे स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे होता था पर वेदर ऐसी नहीं होती थी बस यही डिफरेंस है विंटर में ज्यादा मजा आता था हमको गर्मी में होता भी नहीं था ज्यादा क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है कोलकाता में अभी तो और ज्यादा पड़ने लगे गर्मी के टाइम पर एक देर महीना स्कूल भी बंद कर देते हैं इस बार एक महीने के बाद और ज्यादा एक्सटेंड भी करना पड़ा था बिकॉज इट सो हॉट तो यहां पे हम थोड़ी देर नहीं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर खड़े थे हा? पर उसमें आपको बस कुछ ही मिनट्स दिखा रही हूँ आपको कैसा लगा ये आप बताना मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये मैल है आप कल भी देखे हैं तो यहाँ पे सुबह ये सब चल रही थी थोड़ी देर में ये क्लियर हो गया था ये जगह इसके बाद हम महाकाल मंदिर गए और आज था मंडे और मंडे को बहुत ही ज्यादा क्राउड होती है महाकाल मंदिर में फिर भी हम गए थे और जाके देखा कुछ चार पांच हजार लोग होंगे लाइन लगा के खड़े हैं स्टेयर्स नहीं है ऐसे ऊंचाई चढ़ना पड़ता है चढ़ते समय थोड़ा सा दिक्कत होती है अगर मतलब थोड़ा ओल्ड एज होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उतरते समय भी मुझे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ पर जाके देखे की लाइन इतना ज्यादा है और बारिश भी आ गई है तो हम सोच रहे थे कि क्या करेंगे क्योंकि गिम्बुल और कैमरा जो है ना वो भीग रही थी यहाँ पे तो आप अभी भी देख रहे हो इन लोगों को ही इन लोगों के बीच में ना एक लड़की थी जो किसी की तरह दिखते हैं सो मेरे वहाँ पे कोई है जिनकी तरह दिखते हुए बिल्कुल मैं उस लड़की को ही देखी जा रही थी और वहाँ पे हाफ एन आवर रुकी भी थी फिर देखो अभी ऊपर जा रहे हैं ऐसे चढ़ना पड़ता है जो मैं बोल रही थी ना कि मंदिर में ऐसे चढ़ना पड़ता है अभी तो ये थोड़ा ऐसे स्ट्रेट दिख रहा है समझ नहीं आ रहा है कितना ऊंचा है और धीरे धीरे जाके आपको चलने में दिक्कत होगी ये वाला जो शू है ये इस ड्रेस के साथ बिल्कुल भी कलर मैच नहीं करती है पर मेरे पास ऐसा शू एक ही मैं लेके आई जो कि मैं बारिश में पहन सकती हूँ बाकी जो शूज है ना वो बारिश में पहनने जैसा नहीं है मेरे हस्बैंड मुझे बोले थे कि बारिश हो रही है पर मुझे नहीं पता था कि इतना बारिश हो रहा है मुझे लगा थोड़ा बहुत होंगे अभी देखो अः वहाँ पे जाके खड़ी थी मैं लाइन लगा के थोड़ी देर और फिर देखा कि नहीं यहाँ पे एक डेढ़ घंटा लगेगा उसमें भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं है लाइन काफी बड़ा है समझ भी नहीं आ रहा था कि कितना दूर तक मंदिर कहाँ पर है ये भी समझ नहीं आ रही थी आगे जाके रास्ता जो है वो और नैरो हो जाती है तो हम अभी देखो नीचे आ रहे हैं नीचे आने के बाद ये जो फॉग है वो और ज्यादा बढ़ गई है जो मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पे टाइम के साथ ना फॉग बढ़ जाती है हम होती है सुबह है फॉग है थोड़ी देर में शायद फॉग क्लियर हो जाएगा पर ऐसा नहीं होता है यहाँ पे टाइम के साथ फॉग और ज्यादा बढ़ जाती है अभी अंदर एक मार्केट है हम बस ऐसे ही पैदल पैदल जा रहे हैं देखने के लिए क्या है ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है हम कल दूसरा साइड गए थे आप कल के व्लॉग में जो देखे और शाम को पता नहीं बारिश रुकेगी आप आएंगे कि नहीं अभी घूम के आ जाते हैं कुछ तो चीजें खरीदने हैं फैमिली वालों के लिए पर अभी नहीं खरीद रहे हैं हम लास्ट डे खरीदेंगे ऐसा सोच रहे हैं पर लास्ट डे के लिए बचा के भी नहीं रखेंगे आज शाम को निकल के शायद खरीद लूंगी क्योंकि क्या पता लास्ट डे ऐसा हो कि

उतर के आ रहे थे तब तो लग रहा था देखकर कि क्या है इजी होगा पर जब मैं चढ़ी तो पता चला ओ माय गॉड इजी नहीं है और मुझे लगा था जो पहला स्टेयर दिख रहा है ना वही लास्ट है पर उसके बाद भी तीन चार और छोटे छोटे ऐसे स्टेयर थे तो सब कुछ चढ़ के हम फाइनली मैल पहुंच गए हैं और अभी भी वेदर ऐसे ही है मुझे अच्छा तो लग रहा है बस ऐसा लग रहा है की एक बार धूप भी निकलता तो मैं देखती की धूप में भी ये शहर मतलब ये जगह कैसे दिखते हैं पर इस बार धूप देख पाएंगे ऐसा उम्मीद तो नहीं है हमारा देखते हैं फिलहाल कल के लिए मैं फिर भी बोल रही थी शायद धूप निकलेंगे शायद कल हमें कंचन यंगा दिखेंगे पर हाँ आपको बता ही देती हूँ कि दिखा नहीं है कल के ब्लॉग में भी आप देखेंगे अभी वापस जा रहे हैं हम खाना पैक करा लिए हैं और ये देखो जंगल ही जंगल दिखेगा आपको अभी तो जैसे कोलकाता में रहती हूँ मैं वहाँ पे ऐसा मौसम नहीं है जंगल नहीं है तो मुझे तो अच्छा लग रहा है पर जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं कलीग्स है जो यहाँ से है नॉर्थ ईस्ट के साइड से है दार्जिलिंग से भी बहुत लोग हैं कैलिंग से है और मतलब इधर से बहुत सारे फ्रेंड है मतलब तो वो लोग बोलते हैं ना ये वेदर जो है ये थोड़े दिन में बहुत बोरिंग हो जाता है थोड़े दिन अच्छा लगता है उसके बाद अच्छा नहीं लगता तो जो लोग एक्चुअली यहाँ से हैं वो लोग इतना ज़्यादा वो नहीं करते कि वाओ कितना अच्छा वेदर है जैसे हम आके कर रहे हैं क्योंकि हम तो फॉग कहाँ ही दिखने को मिलता है अभी विंटर में भी देखने को नहीं मिलता फॉग कोलकाता में तो ये फॉगी वेदर मुझे तो अच्छा लग रहा था पर आई थिंक दो तीन दिन के लिए ठीक है मेरे हस्बैंड बोले थे कि दो दिन काफी है फिर भी हम तीन दिन रहेंगे मतलब ऐसा ही प्लान है पर दो दिन काफी है यहाँ पे एक दिन साइड सीन के लिए चले जाओ आस में एक दिन यहाँ पे मार्केट वगैरह घूम लो मार्केटिंग जो अगर कुछ करना है कुछ खरीदना है खरीद लो और फिर नेक्स्ट डे निकल जाओ उससे ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं देखने के लिए और अभी मैं छत पे जा रही हूँ आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ पे रूफ जो है ना वहाँ पे रेस्टोर भी है तो अगर नॉर्मल वेदर होते हैं आपको जो छोटा सा एक घर जैसा दिखेगा वहाँ पे आ, मतलब कबाब वगैरह बनाते हैं और स्टॉल लगवाते हैं और ब्रेकफास्ट डिनर लंच शायद अगर आप बोलोगे तो वहाँ पे भी सर्व करेंगे पर अभी बारिश और यह करके वो बंद है वो जगह है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ से भी आपको व्यू मिलेगा अभी यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं ना यहाँ पे जितने सारे होटल्स है ना सारी होटल जो है वहाँ से आपको पहाड़ दिखेगा वापस जब आए थे ना तब एक अचार जैसा खरीद के लेके आए थे यहाँ पे ये सारी चीज बहुत फेमस है पर जैसा मुझे चाहिए था जो जैसे मेरे दोस्त लोग लेके आते हैं ना वैसा मुझे नहीं मिला हर जगह मुझे कुछ दो तीन टाइप्स के मिले एक में था इमली और एक देखकर मैंगो लग रहा था और भी एक एक कुछ था था जो मुझे समझ नहीं आया तो एक मैं उठा के ले के लेके आई थी पर पर मैंगो बोल दिए थे पर ये नींबू और ये अचार जो था इतना अच्छा नहीं था अब खाना खा रहे हैं हम यहाँ पे वापस आने के बाद फिर मैं नहा लूंगी और शैम्पू भी कर लूंगी आज के दिन मैं वो किया था जो लाइव वीडियो है ना उसके लिए मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन नहीं तैयारी कुछ भी नहीं ऐसे मुझे लग रहा था कि मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम है पता है कोविड के बाद से हम लोग बहुत सारे एग्जाम जो हमारे हैं जो हम जाके करते थे वो सारे हम ऑनलाइन करते थे हाँ तो मैं जब रेडी हो रही थी और कपड़ा निकाली तो मुझे वैसा ही फीलिंग आ रहा था कि मुझे ना एग्ज़ाम देने के लिए बैठना पड़ेगा और हाँ ऐसा ही होता है बिल्कुल जब मैं कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम देती हूँ नहाती हूँ बाल ठीक करती हूँ मेकअप लगाती हूँ फिर अच्छा कपड़ा जो भी पहना होता है उसके भी रूल्स हैं हमारे कि ऑनलाइन है मतलब मतलब आप कुछ भी पहन के बैठ जाओगे ऐसा नहीं आपको प्रोफेशनल जो कपड़ा मैंशन होते हैं एक रूल्स होते हैं कंपनी के हर कंपनी के वैसे ही पहनना पड़ेगा तो वैसा ही देखो मैं कर रही हूँ अभी आ, बाल सुखा रही हूँ फिर जाके व्हाइट कलर के कपड़े पहन लूंगी पहले मैं सोची थी कि लाइव जो है ना वो मैं बाहर करूंगी ठीक है जो रूफ टॉप आप देखें ना पहले दिन आके ही वो जगह चूज़ कर लिया था पर बारिश हो रही है तो बाहर नहीं कर सकी इसीलिए कमरे के अंदर ही कर रही हूँ नहीं तो एक बार मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मैल में बैठ के करना तो ऐसे वेदर में तो आपको कुछ दिखेगा भी नहीं वहाँ पे फॉग ही दिखेगा आपको तो घर पे बैठ कर ही लाइव किया मैंने और ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि संडे नहीं था और अच्छा लगा फिर भी जितने भी साढ़े तीन सौ लोग थे। बाद में लेके देखे होंगे आप लाइव और नेक्स्ट टाइम मैं अभी एक बार क्या पहली बार आ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होता है सब कुछ पर इस बार थोड़ा देख लिया कि कैसे होता है नेक्स्ट टाइम मैं संडे करने की कोशिश करूंगी ताकि आप सब भी ज्वाइन कर पाओ अभी शाम हो गई है और क्या करूंगी मैं चाय पीती हूँ मेरे हस्बैंड और हमारे साथ जो आए हैं वो लोग कॉफी पी रहे हैं हर समय पर मैं चाय ही पी रही हूँ मुझे चाय ज्यादा पसंद है फिर भी यहाँ पे आके दो तीन बार कॉफी पी मैं अभी फिर शाम को निकल कर रहे हैं कुछ चीजें अगर खरीदना है तो वो खरीद लेंगे स्वेटर पहनना पड़ रहा है मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि कोलकाता में स्वेटर पहनने जैसे नौबत ही नहीं आता है उससे पहले विंटर खत्म हो जाती है विंटर अभी ऐसा हो गया कोलकाता में लास्ट ईयर स्पेशली कि आए समझ ही नहीं आया और खत्म भी हो गया और मैल भी अभी काफी खाली खाली दिखेगा आपको नॉर्मली ये जगह ऐसा होता है बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड की बस सर दिखेंगे आपको और मेला जैसे भीड़ होता है जब सीजन होती है मतलब स्पेशली लाइक अप्रैल मई अप्रैल में जिस समय गर्मी छुट्टी के, के समय पर स्टूडेंट्स लोगों के छुट्टी होते हैं तो मम्मी पापा लेके घूमने आते हैं यहाँ पे और फिर विंटर के टाइम पर भी काफी ज्यादा क्राउड होती है यहाँ पे आ, मतलब दिसंबर के दिसंबर हाँ दिसंबर के 20 तारीख से लेके जनवरी में उस समय हम प्लान किए हैं इस बार देखते हैं क्योंकि मुझे यहाँ के जो ब्राइट वेदर है ना वो भी देखना है और इस बार तो बहुत मन था और मैं बार बार सोच रही थी शायद एक दिन धूप निकलेगी पर आ, हम आज जो वॉइस ओवर कर रही हूँ आज हम लौट रहे हैं और आज और और ज्यादा बारिश हो रही है मतलब जिस दिन हम आए थे ना वो ही सबसे बेस्ट वेदर था उस दिन फिर भी इतना ज्यादा बारिश नहीं हुई थोड़ा बहुत हुआ और ब्राइट था वेदर फिर भी हमें थोड़ा बहुत दिख रहे थे पहाड़ ऐसे कांचनयंगा तो नहीं दिखे पर ऐसे थोड़ा बहुत दिखा पर नेक्स्ट डे से सब बंद मतलब बंद इन देंस लाइक इट्स ऑल फॉगी समटाइम्स इट्स सो फॉगी कि आपके पास में जो खड़े हैं ना आप उनको भी नहीं देख पाओगे ये क्यूरियो जैसे शॉप थे बहुत सारे जहाँ पे मैं कुछ लेने के लिए सोच रही थी पर फिर सोचा नहीं मैं अंदर जाऊंगी तो खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगी ऐसे तो मैं शॉपिंग जो है आप देखते हो कि ऑनलाइन मैं करती हूँ बहुत ज्यादा चीजें रिटर्न जाते हैं तो। हाँ, ऐसे तो नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल बंद कर दिया शॉपिंग करना पर अभी मैं खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ जो चीजें मुझे चाहिए अभी जैसे वीडियो बनाने के काम के लिए भी ना कभी कभी चीजें ऑर्डर करने पड़ते हैं और जो मैंडेटरी मतलब मेरे हर रोज की चीज है वो तो अलग बात है बाकी मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ इसीलिए क्यूरियो वाले क्यूरियो ने नहीं। वो एंटीक शॉप है वहां पे गई नहीं क्योंकि ये सारी जो चीजें है ना मुझे पता है मैं पहनूंगी नहीं कुछ लेके जाऊंगी उठाकर और ऐसे ही पड़ा होगा और फिर मैं यहाँ से खरीद रही थी शॉल मुझे सबके लिए शॉल लेना था जैसे मम्मी सास देवरानी ननद मेरे लिए भी लिया और फिर मेरे मौसी के लिए भी लिया और भी मतलब तीन चार एक्स्ट्रा ले लिया अगर किसी को देना हो तो मुझे शॉल बहुत ही पसंद आए थे यहाँ पे और ये शॉप में जो लेडी थी वो मेरी वीडियो देखती है वो मुझे देख ही बोली मैम आप वीडियो बना हो ना मैं आपके वीडियो देखती हूँ तो उन्हीं के पास से मैं सारे शॉल खरीद लिया था मतलब जितना मुझे लेना था उन सारे तो नहीं जितना मुझे लेना था और फिर और एक लड़की भी आई थी फोटो भी खिंचा के गई वो भी मेरी वीडियो देखती है तो हाँ यहाँ पे आके ना अनएक्सपेक्टेडली मैं बहुत सारे लोगों से मिली आप तो बस दो तीन ही देखे होंगे ब्लॉग में क्योंकि उस समय जब कैमरा ऑन थी तब आप देखे बहुत सारे टाइम ऐसे हो रहा था कि बारिश हो रही थी कैमरा बंद करके हम ऐसे कवर करके लेके जा रहे हैं उस समय भी बहुत लोगों से मिले एंड इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड क्योंकि कोलकाता में भी मैं इतने लोगों से नहीं मिलती जब मैं गिम्बल खरीदने के लिए एसप्लेनेट गई थी और उसके नेक्स्ट डे भी मुझे वो गिम्बल सेट करना नहीं आ रहा था तो नेक्स्ट डे भी गई थी उस समय मैं तीन चार लोगों से मिली थी पर यहां पे आके मैं अकाउंट भी नहीं सक, कर सकती कितने लोगों से मिली और फिर जब मैं भी नहीं गई मेरे हस्बैंड को सामान लाने गए उस समय मेरे हस्बैंड को भी लोग पहचाने उनका नाम तो आप सबको नहीं मालूम है आप मुझे ही जानते हो आप उनको पेनी के डैडी बोलकर ही जानते हो और लोग आके ऐसे ही अप्रोच करते हैं कि यू आर पेनी डैडी राइट तो हाँ गाइज बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे कोई अप्रोच करते हैं आके बोलते हैं बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो हेजिटेट करते हैं हमें देख के पता चलता है कि शायद वो सोच रहे कहीं देखा है कहीं देखा है उनको समझ नहीं आता है, है मेरी तरफ देख रही है पहचानी है समझ नहीं आ रहे हैं बात करना चाहती है कि नहीं मैं अप्रोच नहीं कर पाती हूँ इसीलिए पर अगर आप देख के पहचाने कभी हेजिटेट मत करना मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप आके मेरे साथ मिलोगे तो अभी देखो यहाँ पे हमारे हमारे काम जो भी शॉपिंग करने का था वो हो गई है ज्यादा बस शॉल ले लिया आज और भी कुछ चीजें लेने हैं वो कर लेंगे और अभी हम कहीं जा रहे हैं तो मेरे हस्बैंड को मिलना है किसी के साथ वो काम करते हैं फोन में ही आजकल काम हो जाते हैं लोग इन पर्सन मिलते ही नहीं हैं तो यहाँ पे आए मिलने के लिए वहां पर मिले हम उनसे उनका भी दो तीन होटल है जो हम देखे वहां पर भी उनका जो व्यू था वो हमें अच्छा लगा थोड़ा मैल से दूर है वो डेढ़ दो किलोमीटर और मुझे काफी अच्छी लगी वो होटल भी नेक्स्ट टाइम अगर कभी आएंगे ना तो उस होटल में रहेंगे उनका रूम्स भी थोड़ा बड़ा था थोड़ा स्पेशियस था, और जो तो मतलब छत के, 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 तो के, के, के लिए और एक देवरानी के लिए और एक था जो मैं ली थी मेरे साथ जो आए हैं उनके वाइफ के लिए और फिर एक बच्चे का स्वेटर भी दिखेगा आपको जो मैं जो मेरे साथ आए हैं उनकी एक बेटी है छोटी सी उसके लिए लिया है और यही सारी चीज लिए हैं कल भी मैं कुछ खरीदूंगी मेरे लिए एक ट्रेंच कोट जैसा लेना है यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलता है फिर कार्डिगन जैसा लेना था मुझे मैं देखती हूँ कल जाके आ, बार्गेन नहीं कर पाती हूँ यही मेरा प्रॉब्लम है पर यहाँ पे आने से ना क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत बार्गेन करके ही खरीदना पड़ता है आ, नहीं तो टूरिस्ट स्पॉट है ना तो यहाँ पे सोचो अगर चीजों के भाव ऐसे पाँच रुपए है तो वो लोग ऐसे ही पंद्रह सौ बोलेंगे आपको आ, तो पता और मुझे ना आइडिया भी कम है मैं ऑनलाइन चीजें खरीदती हूँ ना तो आइडिया बहुत ही कम है कि कौन सी चीज़ कितने प्राइस में मुझे बोलना चाहिए तो देखती हूँ कल जाके क्या क्या खरीदती हूँ आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे और आज के व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ आज के वीडियो में 5000 हजार लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ मैं आप कभी पूरा नहीं करते हो मेरे जो टारगेट है वो तो पर आज कोशिश करना पूरा करने की मैं बहुत खुश हो जाऊंगी अगर आप 5000 लाइक्स की टारगेट पूरा कर दोगे तो आप अपना ध्यान रखना मैं मिलती हूँ आपके साथ फिर से बाय बाय टेक केयर